नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे खबर बिहार 24। लगातार चार रोज से अग्निपथ योजना के विरोध में युवा वर्ग उग्र हो गए और चारों ओर अफरा तफरी की माहौल उत्पन्न हो गई। आम लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 200 करोड़ की संपत्ति रेलवे की क्षतिग्रस्त हो गई, दर्जन भर इंजन को जला दिया गया, 5 से 6 दर्जन बॉगी को जलाई गई, सैकड़ों मोटरसाइकिल, गाड़ियां, टेम्पू, बसें, ट्रकों को क्षतिग्रस्त किया गया, आग लगाया गया, बीजेपी कार्यालय में आग लगाया गया, बीजेपी नेताओं के ऊपर हमला किया गया, सड़क जाम की गई, आगजनी की गई, बवाल किया गया, युवा वर्ग आक्रोशित हो गए। 4 साल के नौकरी के नाम पर युवा की सुरक्षा की बात जहां होनी चाहिए वहां गृह विभाग ने बिहार के उन नेताओं की सुरक्षा के लिए वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। जिन नेताओं को वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है उन नेताओं का बात नाम आपको मैं बता दूं कि एक और जहां युवा वर्ग के छात्र, युवा वर्ग अपने सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार को अपने नेताओं की सुरक्षा की चिंता है, देश के युवाओं की चिंता नहीं है, देश के युवाओं के हित के लिए कार्य किया जाए इसकी चिंता नहीं है, बेरोजगारी दूर की चिंता नहीं है, महंगाई दूर करने की चिंता नहीं है। वैकेंट पद जो केंद्र सरकार के पास और बिहार सरकार के पास पड़े हुए हैं उसे भरने के लिए बहाली निकालने की चिंता नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं की चिंता है जिस नेता पर हमला होने का डर है या उन नेताओं के कद को बढ़ाया जा रहा है। चूंकि जदयू भाजपा की सरकार है तो प्रभाव बढ़ाना है, नेताओं के कद को बढ़ाना है और नीतीश कुमार के सामने बड़े सुरक्षा घेरे में भाजपा के नेता रहे, मौका मिला, वाई श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जिसके बेतिया वाले मकान पर युवाओं ने हमला किया था, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जो कटिहार के विधायक हैं, तारकिशोर प्रसाद उनके घर पर हमला नहीं हुआ, रेणु देवी जिसके गाड़ी को क्षतिग्रस्त की गई कहा जाता है कि उसके घर पर भी हमला करने की बात थी, 2 उप मुख्यमंत्री, 1 भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, अररिया के सांसद प्रदीप सिंह, किशनगंज के एमएलसी दिलीप जायसवाल, कटिहार के एमएलसी अशोक अग्रवाल, पटना दीघा के विधायक संजीव कुमार चौरसिया, बिस्पी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल, दरभंगा विधायक संजय सवाड़गी को वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान कर दी गई है। अब आप सोच सकते हैं कि बिहार के भाजपा नेताओं को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई या तो सरकार युवा के आंदोलन से डर गई है या सरकार जदयू की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आईना दिखाने के लिए अपने नेताओं को वाई श्रेणी की सुरक्षा देकर यह दर्शाना चाहती है कि बिहार सरकार सुरक्षा इन नेताओं की नहीं कर सकते हैं। जो भी हो, लेकिन चिंता भारतीय जनता पार्टी को अपने नेताओं की है, न कि भारतीय जनता पार्टी सरकार को चिंता उन युवाओं का है जो युवा रात दिन एक करके आंदोलन कर रहे हैं और वो नियमित नौकरी चाह रहे हैं। जो बहाली होनी थी सेना में उस परीक्षा को रद्द कर दी गई, उस परीक्षा को रद्द किए जाने का भी आक्रोश है। अग्निपथ योजना, 4 साल की नौकरी,
कहा जाता है कि इतना रुपया बाद में मिलेगा, तो भैया उतना रुपया लेके करेंगे क्या? पीक समय में नौकरी 4 साल का, फिर हमें प्रलोभन दिया जा रहा है कि 15-20 लाख रुपया दिए जाएंगे, तो 15-20 लाख रुपया से क्या जिंदगी कट जाएगी? क्या नियमित नौकरी देना उचित नहीं है? क्या वैकेंट पद को भरना उचित नहीं है? भारत सरकार के अंदर बहुत सारे वैकेंट पद हैं। आज भारत सरकार के इस अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद पूरे देश में बवाल मचा, पूरे देश में क्षतिग्रस्त की गई। मैंने आपको 200 करोड़ की बात कही, बढ़कर 400 करोड़ भी हो सकती है। मैंने 1 दर्जन इंजन की बात कही, बढ़ सकती है। मैंने 5 दर्जन बोगियों की बात कही, खबर यह भी आती है कि बहुत जगह पूरे ट्रेन को जला दी गई, कई ट्रेन रद्द कर दिए गए सरकार के गलत फैसले के कारण। ट्रेनें रद्द है, आम लोग प्लेटफार्म पर 2-2, 3-3 दिन से पड़े हुए हैं, खाने के लाले हैं, पैसे नहीं हैं। कोई इलाज के लिए जाना चाह रहे थे, कोई नौकरी ज्वाइन करने जा रहे थे, कोई काम के लिए जा रहे थे, बच्चे महिलाएं सारे भूखे पड़े हुए हैं प्लेटफार्म पर। सरकार सुध न ले रही है। तो ऐसी नीति, जिस नीति के बाद देश की जनता में उबाल आ जाए, वैसी नीति बनाने की क्या आवश्यकता है? ऐसी नीति न बनाई जाए जिससे जनता आक्रोशित हो जाए। चारों ओर कोहराम सा मच गया, कई दर्जन ट्रेनें रद्द है, लोगों को आवागमन में कठिनाई हो रही है, तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही है, व्यापार मंदा हो गया, लोग डरे सहमे हैं, कई दर्जन युवा गिरफ्तार किए गए, कई दर्जन FIR दर्ज की गई है, सरकारी संपत्ति की क्षति हो रही है। सारा दोष भारत के प्रधानमंत्री के ऐसे फैसले से, जो फैसला जनता को पसंद नहीं है। जबरदस्ती फैसले लाते जाते, चाहे नोटबंदी रहा हो, चाहे वह उज्ज्वला योजना हो, चाहे गरीबों को अनाज देने की बात हो, चाहे रोजगार का भाषण में वादा करने की बात हो, सारे बातों को जनता ने स्वीकार किया। लेकिन इस अग्निपथ योजना के आते ही जनता में उबाल आया, युवा वर्ग विद्रोह कर दिए सरकार के खिलाफ, सरकारी संपत्ति की क्षति हुई। नेताओं को सुरक्षा दी जाएगी, युवाओं की सुरक्षा की चिंता सरकार को नहीं है। यही इस वीडियो के बनाने का मूल मतलब मेरा था, जो आपको समझना होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि इस प्रकार का वीडियो आपको हमेशा प्राप्त हो। धन्यवाद।